नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की एक बार फिर से बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश में एक बड़ा हादसा पेश आया है। तो इस हादसे में 7 युवकों के झील में डूबने का समाचार प्राप्त हुआ है। तो क्या ये तमाम खबर रहने वाली है, आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, गोविंद सागर झील में डूबे पंजाब के 7 युवक तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोविंद सागर झील में 7 युवक डूब गए हैं। सभी युवक मोहाली पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सभी युवक गोविंद सागर झील में नहाने उतरे थे और अचानक डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। वहीं पुलिस थाना बंगाणा से मिली जानकारी के मुताबिक गांव कोलका बाबा गरीब दास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में करीब 3:50 पर यह हादसा हुआ है। पुलिस को 7 युवकों की डूबने की सूचना मिली। 11 लोग गांव बनूर जिला महोली पंजाब से बाबा बालकनाथ मंदिर जा रहे थे। वहीं बाबा गरीब दास मंदिर के पास गोविंद सागर झील में नहाने उतर गए। पानी गहरा होने के कारण 7 युवक पानी में डूब गए। 4 युवक किसी तरह पानी से बाहर निकले और मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसके अलावा स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन डूबे युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। गोताखोर और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौके पर हैं। एसपी अरजीत सेन ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर है, वे खुद घटनास्थल पर जा रहे हैं। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें गोविंद सागर झील में 7 युवक डूब गए हैं। तो सभी युवकों की अभी तलाश जारी है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।